मुझे वेट वेट फॉर मी, आपको अनम्यूट कर दूं मैं। ओके, सुन पा रहे आप लोग मुझे? यस यस सर। तो रोटेशन ही अभी कंटिन्यू करेंगे हम, है ना? तो अभी थोड़ी सी कम क्लास रखी है, बाद में आफ्टर सम टाइम सैटरडे संडे भी रेगुलर क्लास में। तो वैसे भी आपको बहुत कुछ ज्यादा सिलेबस अब नहीं बचा हुआ है, उधर से आप सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम चल रहा है, इधर मैं रोटेशन पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो आपका इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है, वेव मैकेनिक्स, बाकी तो ऑलमोस्ट आपका डन है ना? तो इसलिए मैं नॉर्मली एक ही क्लास रखा है ताकि आपका डिस्कनेक्ट नहीं हो, रोटेशन भी थोड़ा बहुत चलता रहे, है ना? तो आज जो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द रोटेशनल मैकेनिक्स में ही आगे कंटिन्यू, राइट? आज का जो टॉपिक है ना रोटेशनल मैकेनिक्स में, उसको हम बोलते हैं टॉपलिंग, है ना? कि आज का जो टॉपिक है रोटेशनल मैकेनिक्स में, वी कॉल इट एज ए टॉपलिंग, है ना? कि इसको हम बोलते हैं कि आपकी टॉपलिंग, है ना? कि भाई किसी भी केस में टॉपलिंग की क्या कंडीशंस हो, है ना? कि अगर कोई बॉडी टॉपल कर रहा है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ना? तो सिंपल से मैंने ऐसा बोला है कि टॉपल का मतलब पलटना होता है, किसी भी चीज के पलटने की कंडीशन क्या होगी। तो टॉपलिंग का बेसिक जो रिलेशन है, दैट इज रिलेशन टू द रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम्स, है ना? कि इसका बेसिक जो रिलेशन है वो किससे है, बेसिकली आपके रोटेशनल इक्विलिब्रियम्स। कोई भी बॉडी अगर टॉपल कर रही है, बेसिकली उसका रिलेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम से होता है। उसका मतलब सिंपल सा है कि ये आपका कोई सरफेस है, एंड दिस सरफेस इज सपोज ए रफ सरफेस, है ना? ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, जैसे कि आपका रफ, है ना? और इस रफ सरफेस में आपने यहाँ पे इस तरह से कोई ब्लॉक प्लेस कर दी। ये कोई रफ सरफेस है, इस पे आपने इस तरह से आपने क्या प्लेस कर दिया, जैसे कि आपकी कोई बॉडी, है ना? किसी भी शेप की हो सकती है, क्यूबॉइड या क्यूब, किसी भी शेप, है ना? और इसमें ये दिया हुआ है कि इसकी जो ये बेस है, ये सपोज आपकी बी है, और इसकी हाइट सपोज एच, है ना? और हम यहाँ पे टॉप पे फोर्स लगा रहे हैं। वैसे फोर्स हम कहीं भी लगा सकते हैं, फोर्स आप चाहते तो इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड भी लगा सकते थे, कहीं और भी लगा सकते थे। तो सरफेस रफ है, बेस की लेंथ इसकी बी है, और हाइट कितनी है, इसकी आपकी एच है। और ये इतना रफ है कि हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कि फ्रिक्शन इज सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लिप, सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लिप, है ना? कि भाई फ्रिक्शन इसमें जो सफिशियंट है स्लिपिंग को प्रिवेंट करने, है ना? कि फ्रिक्शन इज सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, है ना? कि भाई कितना भी आप फोर्स लगाओगे, है ना, ये स्लिप नहीं हो, है ना? इतना फ्रिक्शन है कि भाई ये स्लिप नहीं हो गया, लेकिन टॉपल तो कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बोला जाता है कि फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स फोर्स सो दैट बॉडी जस्ट नॉट टॉपल, ये आपको निकालना होता है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे ताकि बॉडी जस्ट टॉपल नहीं करे, है ना? या मिनिमम फोर्स इसको टॉपल करने के लिए कितना चाहिए, वो बात एक होता है कि तो भाई फोर्स बढ़ाते होगा तो स्टेज के बाद ये टॉपल कर देंगे, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम ये सोचते हैं जैसे आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, एक यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा, एक इसका वेट लग जाएगा रिवर्स डायग्राम में, और एक यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की बात करूं तो बड़ी एक थोड़ी सी अजीब सी चीज आ जाएगी कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क निकालू तो आपको पता है वेट की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल की वजह से भी जीरो हो जाएगा, और ये एफ इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहे, इसकी वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, ये फ्रिक्शन भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहे। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई दो टॉर्क तो जीरो हो गए भाई वेट एंड नॉर्मल फोर्स की वजह से, है ना? और बाकी फोर्स एंड स्मॉल एफ का जो टॉर्क है वो तो क्लॉकवाइज है, तो इसको रोटेशन को क्या चीज प्रिवेंट करेगी, है ना? कि सिंपल सा यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच टॉर्क राइट विल प्रिवेंट द टॉपलिंग, विल प्रिवेंट टॉपलिंग, है ना? कि भाई कौन सा टॉर्क जो है जो कि टॉपलिंग को प्रिवेंट कर, ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन रहती है कि भाई अदरवाइज तो ये टॉपल कर ही जाएगा, लेकिन आपको पता है कि नहीं होता ऐसा, अगर आप बहुत कम फोर्स लगाओगे इसके ऊपर हो सकता है कि टॉपल नहीं करे,
यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा टॉप ऐसा है जो कि टॉप रिंग को क्या कर रहा है, आपको प्रिवेंट कर, यही क्या जाता है, जैसे आपको पता है फोर्स तो आपने इस पॉइंट पे लगाया है, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो बैकवर्ड लगेगा, वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होता है। अब ये नॉर्मल सेंटर से पास होता है अभी आपको नहीं पता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होता है कि टॉप डिसाइड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या डिसाइड करता है, जैसे कि आपका टॉप डिसाइड करता है ना, कोई नॉर्मल सेंटर से पास होगा इसका पता नहीं, पर वेट सेंटर ऑफ मास से पास होता है, वो भी उसका रीजन वही है टॉप बैलेंस करना, लेकिन नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा ये कोई जरूरी नहीं, तो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है ना, तो सिंपल सा बोलेंगे कि कौन सा टॉर्क टॉपलिंग को प्रिवेंट करेगा है ना, दिस विल बी द टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स है ना, कि नॉर्मल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो टॉपलिंग को क्या करेगा, जैसे कि आपको प्रिवेंट मींस शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल फोर्स टेक्स प्लेस, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल फोर्स टेक्स प्लेस है ना, कि इस पूरे पेस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, नॉर्मल फोर्स क्या होगा वो शिफ्ट होगा ताकि वो टॉपलिंग को प्रिवेंट टेक्स प्लेस टू प्रिवेंट टॉपलिंग, शिफ्टिंग ऑन नॉर्मल फोर्स टेक्स प्लेस टू प्रिवेंट टॉपलिंग है ना, कि टू प्रिवेंट टॉपलिंग, टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जैसे कि आपका शिफ्ट होगा, कि जगह जो नॉर्मल फोर्स है सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा बल्कि नॉर्मल फोर्स जो होगा वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा है ना, कहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि नॉर्मल फोर्स यहां से पास होगा, सही है, क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेट की वजह से टॉर्क जीरो है, ये दोनों इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, अगर ये टॉपल नहीं हो रहा है तो सारे टॉर्क क्या होंगे, जैसे कि आपके बैलेंस में, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगा ताकि टॉपल नहीं करे है ना, लेकिन आपको एक्सट्रीमली कितना नॉर्मल आगे जा सकता है, भाई नॉर्मल आगे शिफ्ट होता है या एक्सट्रीम एज पे पहुंच जाएगा, उसके बाद अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो टॉपल करने की स्टार्टिंग में क्या होगा, जब ये फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे तो नॉर्मल यही पे एक्ट करेगा, तो ये फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन में नहीं होगा है ना, तो वेट की वजह से अगर टॉप जीरो है तो नॉर्मल भी यही रहेगा ताकि टॉप जीरो, लेकिन जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन अराइज हो जाए, दोनों इसको क्लॉकवाइज टर्न करना चाहिए तो नॉर्मल आगे शिफ्ट होगा ताकि ये टॉपल नहीं करे, नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा आपको लगता है, नॉर्मल मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है ना, तो जैसे आपको जब मैक्सिमम फोर्स निकालना है सो दैट बॉडी जस्ट नॉट टॉपल, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा हाँ बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेंटर ऑफ मास को बोलता हूं, बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास है ना, कि जो टॉर्क बैलेंस करेंगे वो किसके अबाउट करेंगे, जैसे कि आपके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आपको पता है एफ की वजह से जो टॉर्क होगा वो एफ इंटू एच बाई टू हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क होगा वो फ्रिक्शन इंटू एच बाई टू हो जाएगा है ना, और ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क है इसको एन की वजह से टॉर्क बैलेंस करेगा, ये एन इंटू बी बाई टू होगा, एकदम सिंपल सी इक्वेशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क बैलेंस करें तो वेट की वजह से टॉर्क तो जीरो है, एफ की वजह से एफ इंटू एच बाई टू, फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन इंटू एच बाई टू, और नॉर्मल की वजह से नॉर्मल इंटू बी बाई टू आ गया है ना, और आपको पता है कि अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल है, अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो मतलब नॉर्मल फोर्स को कैसे बैलेंस करेगा वेट हाँ, अगर ऊपर नीचे नहीं जा रहा मतलब नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल है, जैसे कि आपके वेट हाँ, तो ये तो हो गई, तो ऑब्वियस बात है कैपिटल एफ और स्मॉलर सेम होंगे, अल्टीमेटली यहाँ से अगर कैपिटल एफ और स्मॉलर सेम है तो एफ एच इज इक्वल टू एन की वैल्यू आप एम जी पुट कर दोगे इंटू बी बाई टू, अल्टीमेटली एफ की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आपकी आ गई एम जी बी बाई टू,
क्या ये मैक्सिमम फोर्स होगा जो हम टॉप फोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे अगर कम फोर्स हम अप्लाई करेंगे कोई बात नहीं, कपल नहीं है ना। तो इससे ज्यादा अगर फोर्स आप लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, इसलिए आपके कपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह मैक्सिमम फोर्स जिसपे की बॉडी टॉपल करेगी वो एम जी बी वाई क्या हो जाएगा आपका, तो शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल फोर्स होता है टू प्रिवेंट टॉपलिंग, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। हाँ वही बात है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने। हाँ बिल्कुल, मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, सेकंड चैप्टर ट्रैक के जो चैप्टर्स है ना वो रिवाइज है ना, अगर अभी नहीं कर पाए तो बाद में 12th में भी करवाएंगे, रिवीजन तो होते ही है इसका। तो अभी नहीं कर पाया, अगर 11th में इतना टाइम नहीं मिला तो विल डू फॉर द 12th के पहले एक बार तो करवाएंगे। क्या करें इसमें, है ना। तो ऐसे कई चीजें आएंगी आपको जो कि इसके बेसिस पे आप क्या करोगे थोड़ा सा ध्यान दोगे। तो जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, उसको खुद से आप ट्राई करो, है ना। इसको हम इस तरह से वैसे क्लियर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पे एज एग्जांपल वन हम अगर ले लें, तो यहाँ पे सपोज आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल थीटा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका एंगल कितना है कि आपका थीटा है, और यहाँ पे कोई इस तरह से बॉक्स रखा हुआ, यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका कोई बॉक्स रखा हुआ है, है ना। इस तरह से वैसे कि आपका एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, और वह कहना है कि स्लिप नहीं कर रहा है, ये सरफेस रफ है, सरफेस इज रफ, है ना। ये जो सरफेस है वो कैसा है सके आपका रफ, है ना। तो इस तरह से एक बॉक्स रखा हुआ है आपको, तो सिंपल सा आपको ये एक्चुअली एंगल वेरिएबल है ना, एंगल आप चेंज कर सकते हो, एंगल आप क्या कर सकते हो जैसे कि आपका चेंज कर सकते हो। तो आपको जस्ट ये बताना है कि फाइंड आउट द थीटा एट विच बॉक्स जस्ट टॉपल, कितना एंगल पे बॉक्स जो होगा जस्ट टॉपल करना है। इस बॉक्स की आपको हाइट एज दे रखी है और इसकी विड्थ कितनी है बेसिकली आपकी बी, ये आपको बताना है आंसर, आपका आंसर आता है मुझे सेंड करना। पर ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ओके ये मत करो आप सॉल्व, है ना। और इसमें ये नहीं पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है कि अगर इस तरह से बॉक्स रखा हुआ है देन फाइंड आउट, ये नहीं पूछा हुआ, फाइंड आउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, फाइंड आउट लोकेशन ऑफ या पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, ऑफ नॉर्मल फोर्स ये पूछा गया है।
भाई नॉर्मल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे, एक बॉक्स से निकल इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉक्स इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल कहाँ पे एक्ट करेगा, है ना, वेट तो सेंटर पे एक्ट करता है। इन द नॉर्मल रिएक्शन की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क डिसाइड करती है, हाँ सही है नेहाल आपका आंसर सही है, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, वेट फॉर अ मोमेंट, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं, इसमें भाई अगर ऐसे रखा हुआ है मतलब फोर्स एंड टॉर्क दोनों बैलेंस हो, है ना, तो भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों क्या हो रहे हैं, बैलेंस। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊ थ्री बॉय डायग्राम, तो एक तो वेट लग गया, एक फ्रिक्शन लग गया, एक आपका कोई नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स आगे शिफ्ट होगा ना टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सपोज नॉर्मल यहाँ पे लग गया, आपको ये डिस्टेंस एक्स निकालना है कि भाई सेंटर से कितने डिस्टेंस नीचे पे नॉर्मल एक्ट है, नॉर्मल फोर्स शिफ्ट कितना होगा ताकि ये टॉपलिंग को रोक सके, अदरवाइज नहीं तो नॉर्मल शिफ्ट नहीं होगा तो ऐसे टॉपल कर देंगे, कोई चीज रोकने वाली तो है नहीं। हाँ तो हम बोलेंगे अगर फोर्सेस को मैं बैलेंस करूँ तो आपको ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूँ तो यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू तो एम जी साइन थीटा इक्वल हो जाएगी, इसका तो कोई डाउट ही नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के, जो नॉर्मल फोर्स होगा ये एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, फोर्स तो बैलेंस होंगे तो फ्रिक्शन एम जी के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा और एम जी के कॉस कंपोनेंट नॉर्मल से बैलेंस होगा, लेकिन आपको तो इसमें टॉर्क भी बैलेंस होगा, इसमें हम क्या करेंगे बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर, वैसे कहीं भी कर सकते हैं किसी के अबाउट भी कर सकते हैं, बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर, बॉडी का जो सेंटर तो
फ्रिक्शन की वजह से एफ इन टू एच बाई टू क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा, और इसको नॉर्मल का टॉर्क बैलेंस करेगा तो नॉर्मल का टॉर्क कितना लेगा एनएच का, क्या सिंपल से ध्यान दो, कुछ नहीं करना है आपको, सेंटर के बोर्ड निकालना है तो वेट की वजह से टॉर्क जीरो है ना, फ्रिक्शन इसको रोटेट टॉपल करना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच बाई टू हो जाएगा, तो कोई ना कोई क्लॉकवाइज टॉर्क इसको बैलेंस करना होगा तो नॉर्मल इनटू एक्स इसको बैलेंस करेगा, और उसके बाद हम जानते हैं कि एफ और एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां से आपका आंसर आ गया कि एफ की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी एम जी साइन थीटा इनटू एच बाई टू हो जाएगा, और जो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एम जी कॉस इनटू एक्स, यहां से एम जी कैंसिल है ना, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी एच बाई टू इंटू टेन, एक्स आ गया तो नॉर्मल की जो पोजिशन होगी वो इतनी आ जाएगी, जैसे जैसे हम इसको एंगल बढ़ाते जाएंगे ये एक्स आगे की तरफ शिफ्ट होगा, एंगल बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ना, और एक स्टेज के बाद अगर नॉर्मल यहाँ पे आ गया उसके बाद अगर आपने बढ़ाया हाँ तो ये चीज टॉपल कर दी, तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई कितने एंगल पे टॉपल कर दिया, जैसे पहला जो क्वेश्चन था मेरे ये तो मैंने नॉर्मल की पोजिशन पूछी है, अगर आपसे कोई पूछे कितने एंगल पे टॉपल कर जाएगा एंगल निकालने के लिए एक्स की वैल्यू हम बी बाई टू हो जाएगी तो इस चीज टॉपल कर जाएगी, एक्स की वैल्यू आपने बी बाई टू पुट कर दी इस इक्वल टू ये एच बाई टू हो गया इंटू टेन थीटा हो गया, टू टू कैंसिल थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स है ना, कितने एंगल पे टॉपल करते हैं, तो पहले तो जनरल निकाल लिया अगर इक्विलिब्रियम है तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे एक्स बढ़ता जाएगा और x की वैल्यू जब b बाई टू हो जाएगी उसके बाद अगर आपने एंगल बढ़ाया तो चीजें टॉपल है ना, तो टॉपलिंग का मतलब आप इक्विलिब्रियम में हो या फोर्स से बैलेंस करोगे एज वेल एज क्या बैलेंस करोगे टॉप है ना, तो इसका एक मेथड है, दिस इज मेथड वन, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं, वो आप ध्यान देना एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, दिस इज योर मेथड वन, ना तो फोर्स बैलेंस करना है कुछ नहीं करना है, सिंपल ज्योमेट्री से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दो एक थोड़े से अगर आप ध्यान दे दोगे ना तो आप ये ध्यान दो कि अगर मैं जैसे अभी मैंने टॉर्क बैलेंस किया सी के बाउंड, अगर मैं टॉर्क बैलेंस करूं इस पॉइंट के बाउंड इस पी के बाउंड है, कि टॉर्क अगर मैं बैलेंस करता हूं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं इस पॉइंट में बोलता हूं कि ये पी है, इस पी के बाउंड टॉर्क बैलेंस करते हैं उसमें हम जो नेक्स्ट चीज करते हैं इसमें ये बैलेंस टॉर्क अबाउट पी, हम इस केस में क्या करते हैं फिर बैलेंस टॉर्क अबाउट पी, अबाउट पी हम टॉर्क क्या करते हैं जैसे कि आपका बैलेंस करते हैं, पी है क्या चीज, एक पॉइंट सरफेस मैंने पी पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया, वो मैंने पॉइंट ले लिया है कि जहां पे वेट का पॉइंट ऑफ इंडिकेशन इस इंक्लाइन प्लेन को कट कर, वेट सीधे नीचे पास हो रही है तो वेट का पॉइंट ऑफ इंडिकेशन जहां पे इस इंक्लाइन प्लेन को कट कर रहा है उसको मैंने पी पॉइंट लिया, तो अगर मैं पी पॉइंट के बाद टॉर्क लूं तो आप देखो वेट की वजह से टॉर्क तो जीरो हो गया, फ्रिक्शन की वजह से भी जीरो हो गया, फ्रिक्शन भी तो वहीं से पास कर रहा है ऐसे, फ्रिक्शन भी वहीं से पास कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से भी जीरो होंगे, अबाउट पी अगर हम देखें तो वेट जीरो है एंड टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन भी जीरो, तो अगर दो टॉर्क जीरो तीसरा भी जीरो होना होगा, अभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा,
है ना, कि भाई अगर दो टॉर्क ऑलरेडी जीरो है तो थर्ड टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा, है ना। जैसे इसमें टॉर्क नॉन जीरो थे तो आपने बैलेंस किया ताकि नेट टॉर्क जीरो हो जाए। अब इसमें दो टॉर्क अगर ऑलरेडी जीरो है तो थर्ड जो नॉर्मल फोर्स टॉर्क को वो भी जीरो होना चाहिए। सिंपल सा बोलेंगे, अगर ये दोनों टॉर्क जीरो है देन टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स शुड ऑल्सो बी जीरो, है ना। इसके नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क होगा वो भी जीरो होना चाहिए, ऑल्सो बी जीरो, है ना। कि टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे आपकी जीरो होना चाहिए। और नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क कब जीरो होगा, जब नॉर्मल उस पी पॉइंट से पास करे, है ना। वेट की वजह से अगर टॉर्क जीरो है, फ्रिक्शन की वजह से जीरो है, तो नॉर्मल अगर उस पी पॉइंट से पास करेगा तभी टॉर्क उसकी वजह से जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया, मीन्स है ना, मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स शुड पास थ्रू पी, शुड पास थ्रू पी। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स है वो भी कहां से पास होना चाहिए, जैसे कि आपका पी से पास होना, है ना। तो आ गया आपका, तो अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल फोर्स पी से पास होगा तो सिंपल ज्योमेट्री हो जाएगी, ये चीज तो एच बाई टू है ही, है ना। तो एच बाई बेस निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू ऑफिस में आप सिंपल से लिख लेंगे कि टेन थीटा शुड बी इक्वल टू द, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा एक्स पाई डिवाइड बाय आपका एच बाई टू हो जाएगा, सॉरी ये वाली चीज एच बाई टू होगी, है ना। तो इससे आपका आ गया, ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी जो होगी वो एच बाई टू इंटू टेन थीटा हो जाएगी, हो जाएगा एच बाई टू इंटू टेन। ऐसे भी सोच सकते हैं, मेन चीज है टॉर्क बैलेंस करना, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों उसके ऊपर क्या होंगे, बैलेंस। ये भी एक मेथड है, कई क्वेश्चन में इसको हम यूज करते हैं, कई क्वेश्चंस में इसको क्या करेंगे यूज, है ना। लिख लो बस, ये होता है टॉपलिंग एंड रोटेशन की। हम इस तरह से क्या करते हैं, जैसे कि आपका सॉल्व, ये आपका एग्जांपल वन है ना, दिस वे कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या कर लेते हैं इसका, तो आ जाते हैं। देखो अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, हमेशा पुली अपने मास्टर्स ली, पहली बार हम पुली का मास कंसीडर जा रहे हैं, कर रहे हैं रोटेशन चैप्टर। अब तक जो भी आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे ना, आप पुली को क्या लेते थे, मास लेते, अब हम पुली का मास कंसीडर करते हैं, है ना। नाउ पुली इज हैविंग सम मास, इस चैप्टर में आप पुली का कोई मास नहीं होगा, पुली इज हैविंग मास, पहली बार ये चीज आ जाए, है ना। भाई पुली का भी क्या होगा, कुछ मास होगा, है ना। अगर मास होगा मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, अगर मासलेस होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता था, अगर मास होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं। तो इसमें इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये आपकी कोई पुली है ना, अब बस डिफरेंस ये आ गया कि इसका मास है, इससे आपने कोई ब्लॉक हैंग किया, इसे स्ट्रिंग को हैंग किया और एक ब्लॉक लटका दिया, हाँ, एक सिंगल पुली है, इसका रेडियस आप आर ले लो, इसका रेडियस कितना है, आपका आर है, हाँ, और कुछ मास के बीच में रिलेशन है, मास जो आपको दिया हुआ है इसका, दोनों पुली का जो पुली का भी कुछ मास है, हाँ
आपको ये दिया हुआ है कि जो ये ब्लॉक है इसका मास एम है एंड जो पुली है इसका मास जो है वो टू एम। तो जैसे हम सिस्टम को रिलीज करेंगे तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, हाँ जैसे सिस्टम को रिलीज करेंगे तो दिस विल मूव डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, ये रोटेट भी करेगा तो इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, है ना। पुली का मास जो आपने ले लिया वो टू एम ले लिया, अगर रोटेट करेगा तो कुछ इसका अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, और स्ट्रिंग में टेंशन भी होगी। तो आपको इस केस में बताना है कि फाइंड आउट कि अगर पुली का मास ले लें देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड कितना होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन। थोड़ा ट्राई करो कैलकुलेट करने की, एग्जाम्पल नंबर थ्री। ओके आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। देखो कुछ नहीं होता, देखो रोटेशन में आप ध्यान रखना है, कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है रोटेशन, एकदम सिंपल सा। इसमें पहला लाइन ये होता है कि इफ इक्विलिब्रियम, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, इसको एकदम ध्यान रखना, यही चीजें बार बार यूज होंगी, इक्विलिब्रियम देन फोर्स एंड टॉर्क विल बी बैलेंस, देन फोर्स एंड टॉर्क विल बी बैलेंस्ड, विल बी बैलेंस्ड। अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, If not in equilibrium, जैसे इस केस में इक्विलिब्रियम थोड़ी है,
जैसे हम सिस्टम को रिलीज करेंगे ये एक्सलेट होगा ना, ये अगर एक्सलेट होगा तो पुली भी रोटेट होगी, पहले भी रोटेट होती थी लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास नहीं होता था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता था इसलिए कंस्टेंट नहीं करता। अब मास है तो रोटेशन भी लेना पड़ेगा, इफ नॉट इन इक्विलिब्रियम देन, है ना, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सिंपल सा, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट फोर्स की वैल्यू अब एम ए के इक्वल हो जाएगी, और जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क की वैल्यू जो होगी वाई अल्फा के इक्वल हो जाएगी। भाई अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस हो गया, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है देन नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, नेट टॉर्क वाई अल्फा के इक्वल होगा, एंड ए और अल्फा में इक्विलेशन। इसका तीन स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेप में तो नेट फोर्स ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, थर्ड में ए एंड अल्फा में कंस्टेंट रिलेशन, ये तीन स्टेप ही यूज करते हैं रिलेशन बिटवीन, है ना, ए एंड अल्फा, बस तीन स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो अब इस बात दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्योर रोटेशन जो भी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्योर रोटेशन। जब भी कोई प्योर रोटेशन का क्वेश्चन होगा तो अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस होगा, नहीं है नेट फोर्स एम के इक्वल होगा, नेट टॉर्क आई अल्फा के इक्वल होगा, और ए और अल्फा में रिलेशन होगा, वो क्या रिलेशन होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे इस केस में अप्लाई करूं तो वेट नीचे लग रहा है और टी ऊपर है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो फर्स्ट इक्वेशन आप लिख देंगे इस केस में एम जी माइनस टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एम, इक्वेशन नंबर वन, mg नीचे t ऊपर, mg माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा ma होगा, हां तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब नेट टॉर्क भी लेना पड़ेगा पुली के ऊपर, तो हम क्या करेंगे नेट टॉर्क के लिए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, एकदम ध्यान देना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब पुली का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो, और अब इसके बाद ये तो प्योर रोटेशन है तो पुली के सेंटर के अबाउट ही सब कुछ लेंगे, तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो पुली का वेट हो जाएगा जो कि 2mg है, एक यहां पे टेंशन टी हो गया और एक यहां पे टेंशन टी डैश, तीन फोर्सेस होंगे क्योंकि पुली के फ्री बॉडी हो गए। तो अब इस बात है कि अगर मैं टॉर्क लू, और अब इस बात इसकी वजह से रेस्ट नहीं बल्कि ये रोटेट कर रही है किससे अल्फा से, तो अगर मैं नेट टॉर्क लिखू तो आपको पता है 2mg की वजह से टॉर्क तो जीरो हो जाएगा सेंटर के अबाउट, तो टॉर्क होगा, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू एम एम टी की वजह से और टॉर्क हो जाएगा टी आर, टी इनटू इसकी रेडियस अगर आर है ना, तो ये बाकी टॉर्क तो जीरो है, जो भी टॉर्क होगा जो कि अल्फा प्रोड्यूस कर रहा है वो इक्वल टू आई अल्फा, और चूंकि पुली को हम एज अ डिस्क मानते हैं कि पुली का अगर कुछ नहीं कोई भी चीज जब अल्फा से जब रोटेट होगी, अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसके पेरिफेरी पे बहुत सारे पॉइंट पे कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो पेरिफेरी पे सारे पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो अल्फा होगा, वो एक्सेलरेशन से ये पता चलता है सिंपल सा, जब प्योर रोटेशन होगा तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर होगा, इसके अलावा सेंट्रीपेटल भी होगा, तो उसकी बात नहीं है, अभी तो हम टेंजेंशियल की बात करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये अल्फा आर का इस ए से क्या रिलेशन, ये तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है ना, कि भाई ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ द क्या है सकते आपका ब्लॉक, तो यहां पे वो अजम्पशन आ जाता है कि स्टिल स्प्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल,
स्ट्रिंग जो अभी आपने लिया हुआ है वो कैसी है, इसकी आपकी अनस्ट्रेचेबल, तो आप यहाँ पे ले लोगे स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, उससे ए और अल्फा रिलेशन आएगा, स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल। इसको यूज करके हम ए और अल्फा को क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको रीड कर सकते हैं। अब सिंपल से ध्यान दो, अगर अल्फा इसका एंगुलर एक्सटेंशन है तो जो पुली का ये वाला पॉइंट होगा, और आपको पता है अगर ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो जिस एक्सटेंशन से ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी यहाँ पे उसी एक्सटेंशन से ब्लॉक हो जाना चाहिए ना, अदरवाइज तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। लेकिन स्ट्रिंग स्टिल टाइट है तो जब रोटेट होगी तो हर पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सटेंशन होगा इसका, तो इस पॉइंट का भी होगा, और जिस जितना इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सटेंशन होगा उसी से तो ये स्ट्रिंग अनवाइंड होगी, और जिस एक्सटेंशन से अनवाइंड स्ट्रिंग होगी उसी से नीचे आ रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि अगर स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो थर्ड इक्वेशन आपकी ये है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी अल्फा, इसमें ए एक्सटेंशन ऑफ द ब्लॉक है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सटेंशन ऑफ द पुली, ये तो एक जनरल रिलेशन होता है जो कि टेंजेंशियल और अल्फा को ले। हाँ, फिर तीसरा इक्वेशन भी आ गया, इसको सॉल्व कर लो आप। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए आपका आ जाएगा भाई सेकंड इक्वेशन से ये यूज कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर टू ए बाय आर, यहां से टी आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। हाँ, अल्फा की वैल्यू यहाँ से ए बाई आर आप पुट कर देंगे, तो आर तो हर जगह से कैंसिल ही हो गया, कई बार क्वेश्चन में नहीं भी क्या होता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू एम ए, इस टी स्क्वायर टू एम ए को फर्स्ट इक्वेशन आप पुट कर, तो ए की वैल्यू जी बाई टू आ जाएगी। हाँ, और ए अगर जी बाई टू आ गया तो टी आ जाएगा, टी की वैल्यू एम जी बाई टू, तो फाइनल आपका आंसर आ गया कि एक्सेशन जी बाई टू होगा, टेंशन एम जी बाई टू। हाँ, टेंशन की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी एम जी बाई टू हो जाएगी, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप फ्लो चार्ट ध्यान रखना, जो मैं दो स्टेप था प्योर रोटेशन में, ये दो स्टेप नहीं होता, दूसरा तीन स्टेप, उसके अकॉर्डिंग नेचर जो होगा चीजों का क्या होता जाएगा। इक्वल टू एमजी बाय, ये तो मैंने बेसिक्स आपको बताया है, अदरवाइज आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसको हम नॉर्मली एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपने नेट पुलिंग फोर्स की बात की थी, वैसे हम नेट पुलिंग टॉर्क की बात कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, वैसे तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्चुअली आपको ये आना चाहिए, कंसेप्चुअली आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए आपको आनी चाहिए, अदरवाइज वी कैन राइट द टॉर्क इक्वेशन फॉर कंप्लीट सिस्टम। इसी में हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड जो यूज करेंगे, वी कैन राइट टॉर्क इक्वेशन फॉर कंप्लीट सिस्टम, इसी का मेथड, इसका मेथड पूरी है, कई बार पूरे सिस्टम के लिए हम टॉर्क लिख लेते हैं। मेथड वन तो ये था कि एक एक स्टेप में हमने किया, सेकेंड स्टेप हो जाएगा कंप्लीट सिस्टम और कंप्लीट सिस्टम, क्वेश्चन पूरे सिस्टम के लिए कंप्लीट सिस्टम के लिए लिखने का मतलब भी हो गया कि हम बोलेंगे अल्फा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग टॉर्क बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे सीधे अल्फा आ जाएगा, अल्फा निकालेंगे नेट पुलिंग टॉर्क बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि अगर मैं इसमें ये सोचूं कि सेंटर के अबाउट किस फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा हो, तो वेट की वजह से लग रहा होगा, तो इस केस में अल्फा मुझे निकालना है तो नेट पुलिंग टॉर्क जो हो जाएगा वो एम जी इंटू आर हो जाएगा बाई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
पुली का मोमेंटम इनर्शिया था 2 mR² / 2, लेकिन अब आपको इस ब्लॉक का भी लिखना पड़ेगा, तो ब्लॉक की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आ रहा है ना, तो प्लस mR² हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूरे का अगर मैं सिस्टम ले लू तो वेट की वजह से तो इसको क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है, तो वेट इस लाइन से पास हो रहा है ऐसे, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो आ रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा पुली का 2 mR² है, और एक कोई एम मास और डिस्टेंस पे है तो प्लस mR² हो गया। यहाँ से आपका g/2 आ रहा है, और अभी आपने पता है अल्फा पता है तो ये आ जाएगा a = αr, आपने पूछ लिया अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो a = g/2 और ये आ गया तो d आ बस फर्क यह है कि अब पुली का मास हो जाएगा, ये आपकी कोई पुली है, इससे आपने दो ब्लॉक किस तरह से हैंड, एक का मास आपका 2m हो गया, दूसरे का मास m हो गया, और इस पुली का मास भी m है, ऐसे दिया हुआ है 2m m, और इस पुली का मास कितना है आपका m, हाँ पुली का मासलेस नहीं, जैसे हम रिलीज करेंगे दिस विल मूव डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन d, दिस विल मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन d। हाँ एक चीज रखना है, जब पुली का मास हो जाता है ना दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग, यहाँ पे टेंशन अगर टी वन है तो यहाँ पे टेंशन टी टू, क्योंकि टेंशन का डिफरेंस ही तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो अगर टेंशन आप सेम ले लोगे तो फिर वो गलत होगा, पुली मासलेस होती है तो टी वन टी टू सेम होते हैं, पुली इज मासलेस। मासलेस देन टी वन इज इक्वल टू टी, अगर पुली का कुछ मास है तो दोनों साइड में टेंशन अलग अलग, उसी का टॉर्क तो उसको रोटेट करेगा, तो जैसे हम रिलीज करेंगे तो ये नीचे ये ऊपर, और पुली का कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, तो आपको इस केस में सिंपल ये आंसर देना कि फाइंड आउट ए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है ना, ये जस्ट कैलकुलेट करना, तो इसका आंसर आपको बेटर ये यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो अलग अलग भी कर सकते हो।
ध्यान से और चेक करो। हाँ सही आंसर निहाल आपका, सही बता रहा हूँ, निहाल योर आंसर इज करेक्ट। हाँ पीयूष टी के टर्म्स में नहीं आएगा ना, विवेक कुमार दत्ता योर आंसर इज करेक्ट, कार्तिकेय त्यागी योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलो ओके आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, सही आंसर बता रहे हैं सब लोग, ये ए की वैल्यू 2g/7 है ना, अदरवाइज तो बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको वही शॉर्टकट से करोगे तो 1 मिनट में आ जाएगा। ए की वैल्यू 2g/7 है ना, ए जी की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g/7 हाँ, कैसे होगी आप अल्फा निकालो पहले, तो अल्फा में नेट टॉर्क होता है, नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2mgr-mgr भाई, 2mg4c लग रहा है, इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, 2mg इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है ये एक mgr टॉर्क भी तो लग रहा होगा जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, 2mgr क्लॉकवाइज mgr एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr2/2 होता है, यस दो मास है, एक आपका 2mr2 हो गया और एक आपका ये हमारा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना, तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2g/7r, ये अल्फा आ गया इतने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आपको तो ए निकालना था ना, तो अब ये चीज होगी अगर ये अल्फा से रोटेट करेगा तो इसके पेरिफेरी के सारे पॉइंट पे कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर हो जाएगा, तो अगर स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो अगर ये अल्फा आर से नीचे आ रहा तो ये भी अल्फा आर से नीचे है, मतलब ये की वैल्यू अल्फा आर होगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपका 2g/7 आ जाए, चाहे आप यहाँ ले लेते हैं अगर ये अल्फा आर से ऊपर जा रहा है ये ब्लॉक भी अल्फा आर से ही ऊपर, वही चीज आ गई, इसका सम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो 2g/7 है ना, 2g/7 जो है वो इसका सही आंसर सकते हैं। अब तक हम ये चीज इसलिए लेते थे क्योंकि पुली हम मास्टर्स लेते थे, तो अगर पुली मास्टर्स लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, हां कि पुली मास्टर्स लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो है ना, तो उस तरह से फिर हम अल्फा को डिफाइन ही नहीं कर पाते। एज एग्जाम्पल 5 ये भी काफी इंपोर्टेंट चीज है ना।
एग्जाम्पल फाइव में हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक पुली लेते हैं और इस पुली के चारों तरफ स्ट्रिंग बाइंड करते हैं ऐसे, है ना। इस तरह से आपने चारों तरफ क्या कर दिया, स्ट्रिंग बाइंड कर दिया और इस स्ट्रिंग को हम इस तरह से इसको अटैच कर दिया एक पॉइंट पे, है ना। बाद में इसको और भी इसके बारे में बताऊंगा जब हम इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे, अभी हमने उसको नहीं पढ़ाया। एकदम सिंपल मेथड से करते हैं, आपने एक स्ट्रिंग बाइंड किया इसके चारों तरफ, पुली के चारों तरफ, दिस इज ए पुली, पुली या सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया सेम है, ऑफ रेडियस आर एंड मास है, पुली ऑफ मास है, हाँ, इसका पुली का जो मास क्या हो जाएगा सके आपका एम हो जाएगा। वेट फॉर मी, ओके, है ना। तो जस्ट मैंने ये बोला कि यहाँ पे पुली ऑफ मास एम है और इससे स्ट्रिंग आपने अनवाइंड कर दिया और यहाँ पे अटैच कर दिया। तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, इसमें दो तरह का मोशन है, मतलब अब तक जो हम बात कर रहे थे ना मोशन जो था वो प्योर रोटेशन था, कि अब तक जो मोशन था वो कैसा था सके आपका प्योर रोटेशन, है ना। पहली बार हम आ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ये जो मोशन होगा ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही अनवाइंड होगा ना इसका सेंटर ऑफ मास किसी एसी से नीचे जाएगा और ये चीज सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट भी करेगी। अब तक क्या था, सिर्फ वो रोटेट करती थी फिक्स एक्सिस के बाद वो पुली, यानी कि क्या होगा, ये रोटेट भी करेगी और इसका सेंटर ऑफ मास नीचे भी जाएगा, तो ये आपका रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग, इस केस में स्ट्रिंग में टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग होगी इस पर टेंशन देता हूं, कैलकुलेट करो, वही स्टेप यूज करके नेट फोर्स एम है, नेट टॉर्क आई अल्फा, ए और अल्फा में रिलेशन।
स्टेप्स वही यूज होंगे जो पहले हम एक मिनट चेक कर लेता हूँ निहाल। हाँ टेंशन निकालना है हमें, बस चेक कर लो जरा सर उसका, आप हो सकता है एक्सलेशन का आंसर दे रहे हो, टेंशन कैलकुलेट करना है आपको, उसमें एम भी आएगा ना। हाँ टेंशन निकालो, टेंशन क्या आ जाएगा। हाँ सही आंसर है आपका, सही आंसर है। ओके आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम स्टेप्स है, इसमें भी जब आप सॉल्व करोगे तो सेम स्टेप्स है। भाई फ्री बॉडी डायग्राम लाओ, एक तो इसका वेट लग जाएगा और यहाँ पे आपका टी लग जाएगा। तो हम सबसे पहले बोलेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इस केस में हो जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इनसे एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर आ जाएगा नेट टॉर्क, तो सेंटर ऑफ मास के बाद लोगे आप तो एमजी प्लस टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो नेट टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टी आर इक्वल टू आई अल्फा। हाँ क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लेंगे ना तो एमजी प्लस तो जीरो हो गया, टी इंटू आर, तो टी आर इक्वल टू अल्फा हो जाएगा और आई की वैल्यू आपको होता है फुली है तो हमारा स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, है ना। तो सेकंड जो इक्वेशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी टी आर इक्वल टू, है ना, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय टू, इस केस में आई की वैल्यू जो होगी वो एम आर स्क्वायर बाय टू, ये आपका इक्वेशन नंबर टू। अब मेन चीज है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एसी एंड अल्फा, क्योंकि इससे तो सॉल्व नहीं होगा ना क्योंकि अननोन्स तीन, तो एक कंस्ट्रेंट रिलेशन चाहिए। रिलेशन बिटवीन एसी एंड अल्फा क्या हो, एसी और अल्फा में क्या रिलेशन होगा, उसके थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या करूँ, कि मैं क्या बोलूंगा
देखो सेंटर ऑफ मास एसी से नीचे जा रहा है, मतलब सारे पॉइंट एसी से नीचे जा रहे होंगे, तो इसका ये पॉइंट भी एसी से नीचे जा रहा होगा। अगर सेंटर ऑफ मास एसी से नीचे जा रहा होगा तो ये पॉइंट भी क्या होगा, एसी से नीचे जा रहा होगा। अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा होगा ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, ये पॉइंट अल्फा आर से ऊपर जा रहा है। अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा होगा तो ये पॉइंट अल्फा आर से क्या जा रहा होगा, जैसे आपको ऊपर जा रहा है। और थोड़ा सा ध्यान दो तो इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा है ना, अगर देखा जाए कि भाई अल्फा से कोई भी चीज रोटेट करती है तो उसके पेरिफेरी का टेंजेंशियल अल्फा आर तो होगा ही, और सेंटर ऑफ मास अगर एसी से जा रहा है तो एबी से नीचे जा रहा है, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो एसी माइनस अल्फा आर एंड इट शुड बी जी। नेट एक्सेलरेशन जिसका हो जाएगा शुड बी जी, इसलिए जीरो होगा क्योंकि स्प्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, और इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जो होगा वही इस पॉइंट का होगा, है ना। तो ये इस पॉइंट तो रेस्ट पे है ना, तो एसी माइनस अल्फा आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर ये चीज कुछ मूव कर रही होती, मान लो लिफ्ट के अंदर लगा होता, तो फिर उसका एक्सेलरेशन लेते हैं हम, लेकिन आपको अगर ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना इस स्ट्रिंग के किसी पॉइंट का होगा, तो इस पॉइंट का भी वही हो जाएगा, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो रिलेशन माइनस एसी एन अल्फा में ये रिलेशन है ना, एसी माइनस अल्फा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहां से एसी इज इक्वल टू अल्फा आर। अब इन तीन इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो तीन इक्वेशन को सॉल्व करके जब आप टी निकालोगे तो टी की वैल्यू एम जी बाई थ्री है, मतलब कुछ भी चीज निकाल सकते हैं, एसी भी आ सकता है। थ्री इक्वेशन है, थ्री अननोन्स है, तो एसी भी निकाल सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हैं और टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा गया था टी, तो टी की वैल्यू एम जी बाई। तो यही तीन स्टेप्स है, नेट फोर्स एम है, नेट टॉर्क आई अल्फा, और जो भी ए और अल्फा इसमें क्या है, कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन थोड़ा सा आपको ना, उसी में थोड़ा सा आपको कुछ थोड़ा सा स्किल्स यूज करना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल फाइव। क्लास क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर सिक्स, लेकिन ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, एग्जांपल नंबर सिक्स, ये भी काफी पूछा जाता है, एग्जांपल नंबर सिक्स पे आते हैं। टॉप लिंग से स्टार्ट होके थोड़ा सा बहुत सिंपल रोटेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो एग्जांपल नंबर सिक्स में ऐसा है कि हाँ, इस तरह से आपने रॉड को क्या किया, जैसे आपका अटैच किया किसी रूप से, और ये एंगल आपको दिया हुआ है ना, इस केस में आपको ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो है दो स्ट्रिंग से, ये वाला एंगल 30 है, हां सिमेट्रिकली ऐसे लटका हुआ है। रॉड का मास लेंथ आप एल ले लो, एंड इसका मास जो है वो एम, अभी इक्विलिब्रियम में टेंशन इन लेफ्ट स्प्रिंग at the instant just after cutting right spring, ये आपसे पूछ रहा है भाई। अभी तो दोनों में टेंशन सेम होगा, क्योंकि स्प्रिंट का केस था, पोटेंशियल का वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, तो अभी जो टेंशन है वो निकालना आसान थोड़ी,
मुश्किल थोड़ी है, आप बोलोगे 2t sin 30 डिग्री इक्वल टू एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, t sin 30 एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, तो t की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी, दोनों में टेंशन सेम होगी। ऐसे ही पूछा है कि जैसे हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे उस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन, राइट को जैसे हम कट करेंगे उस स्ट्रिंग में इसका एनर्जी देखना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सवाल है ना। अगर मैं इसको बनाऊं इस तरह से, अब इसको ट्राई मत करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको अप्लाई। तो जैसे मैं राइट स्ट्रिंग को कट करूंगा, अब ये सिंपल सा सिचुएशन ऐसा आ गया, अभी कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, अभी भी रॉड रेस्ट पे ही है, जस्ट आफ्टर कटिंग ये आपका स्ट्रिंग आ गया और ये आपका ये रॉड ऐसा, तो ये यहां से हट गया। तो जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, एक तो इससे दो ही फोर्स होंगे, एक तो नहीं कर जाएगा और यहाँ पर टेंशन लग गई और ये टेंशन मुझे निकालना है। अब प्रॉब्लम है रॉड का मोशन कैसा होगा काटने के बाद, तो कॉम्बिनेशन होगा भाई, रॉड का सेंटर जो होगा वो नीचे जा रहा होगा, इस समय एक्सेशन ए वाई, रॉड का लेफ्टवर्ड भी जाएगी, लेफ्ट की तरफ भी एक्सेट होगी, क्योंकि बाद में तो उसका मोशन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब ए वाई होगा, इसका एक्सेशन ए एक्स होगा। ध्यान रखना कि पहले क्या था, सिर्फ ये वाला एक्सेशन होता था, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ए वाई भी होगा, ए एक्स भी होगा, बाद में तो उसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो रेस्ट से अगर ऐसे मोशन गेन कर रहा है तो किसी एक्सेशन की स्पीड गेन करेगा, तो ए वाई या नहीं एक्स आ गया, और प्लस ये रोटेट भी करेगा अल्फा भी है ना, प्लस ये क्या करेगा सके आपका रोटेट भी। कॉमन सी बात है कि जैसे आपको पता है कि हर एक्सेशन का कोई ना कोई कॉज होता है, तो अगर मैं आपसे पूछें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ए वाई, लिख लेंगे ए वाई का कॉज हो जाएगा एम जी माइनस पी साइन थर्टी इक्वल टू एम ए वाई, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। हम लिखेंगे यहाँ पर टी कॉस 30 इक्वल टू एम इंटू एक्स होगा, अल्फा का कॉस क्या होगा, तो अल्फा का कॉस फोर्स नहीं टॉर्क होता है, तो सेंट्रल मास के अगर हम देखें तो एमजी की वजह से टॉर्क तो जीरो है, तो टी की वजह से ही तो टॉर्क होगा, और टी के सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि ये कंपोनेंट की वजह से टॉर्क तो जीरो होगा टी कॉस 30 की वजह से, तो टी साइन 30 की वजह से टॉर्क होगा, तो हम लिखेंगे टी साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू शुड बी इक्वल टू द आई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आई की वैल्यू हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के वर्ड आई जो होता है हमें उसको देखना, तो तीन इक्वेशन आ गए, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आ गया, और रोटेट अगर हो रहा है तो टॉर्क की इक्वेशन से आ गया। ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगा ना, बिकॉज फोर अननोन्स अल्फा ए एक्स ए वाई एन टू। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो इसमें एक्सेशन है उसके बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन। आपको मेन चीज जो जानना है वो जानना है कंस्ट्रेंट रिलेशन, भाई जो बहुत सारे एक्सप्रेशन है इसके बीच में क्या रिलेशन, ए एक्स ए वाई एन ए अल्फा के बीच, तो ध्यान देना थोड़ा सा कि आप ये देखो कि रॉड का मोशन कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन रॉड का ये वाला जो पॉइंट पी है, ये तो सेंटर है, पी पॉइंट है, इसका मोशन फर्दर सर्कुलर होगा हाँ, भाई रॉड का मोशन तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जहां से रॉड कनेक्टेड है स्ट्रिंग से वो तो सर्किल में मूव करेगा ऐसे, तो अगर ये सर्किल में मूव करेगा, एक सिंपल सी चीज आ गई कि ये अगर ये सर्किल में मूव करेगा ऐसे हाँ, कि जब हम कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालेंगे इस तरह से हाँ, इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊंगा ऐसे, तो ये आपका कोई स्ट्रिंग आ गया और इससे ये अटैच हाँ, तो अगर ये सर्किल में मूव करेगा तो सर्किल में कुछ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन आपको पता है अभी तो इसकी स्पीड तो जीरो है ना, इस पॉइंट का वी क्या है जीरो है। तो अगर पी पॉइंट का वी जीरो है तो एसी भी जीरो होगा,
एसी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर ही तो होता है, तो जैसे हम कट करेंगे इस पॉइंट का भी बी तो जीरो है, मतलब एसी भी जीरो होगा, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग कोई एक्सेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके बाद इसका अगर मोशन सर्कुलर मोशन है तो अलोंग द स्ट्रिंग सेंट्रिपिटल एक्सेशन नहीं होगा, तो चूंकि वी जीरो है तो एसी जीरो होगा, एसी जीरो है मतलब मोलिंग कंस्टेलेशन भी आपको इन किए मिला अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलेरेशन शुड बी जीरो, एक्सेलेरेशन शुड बी जीरो, है ना, ये अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आप ध्यान दो कि अगर सेंटर ऑफ मास एवाई से नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट भी एवाई से नीचे है, अगर सेंटर ऑफ मास एक्स से इस तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट भी एक्स, अगर ये अल्फा से रोटेट हो रहा है तो इस पॉइंट का अपवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा इंटू एल बाई टू हो जाएगी, ये तीन एक्सेलरेशन है, तो तीन एक्सेलरेशन का अलोंग द स्ट्रिंग नेट कंपोनेंट जीरो, आप रिजॉल्व कर दो, जैसे मैं रिजॉल्व करूंगा आपको ये एंगल 30 डिग्री पता ही, तो ax का इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आपका देगा ax cos 30, अल्फा इंटू एल बाई टू का कंपोनेंट जो आ जाएगा अल्फा इंटू एल बाई टू साइन 30, और ay का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, ay का कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो माइनस हो जाएगा ये क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस ए वाई साइन, हाँ होप कि मैंने सही किया होगा, एक्स कॉस 30 अल्फा इक्वल टू साइन 30, अगर ये 30 डिग्री है ना तो ये भी 30 डिग्री, तो ए वाई का कंपोनेंट इसके अलावा आ जाएगा, है ना, ए वाई साइन 30, और इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट फर्दर सर्कुलर मोशन में होगा, अभी इसका भी जीरो है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जैसे आपका जीरो, हाँ तो इसको यूज कर लेंगे, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है, हाँ तो इसमें वैल्यू सपोर्ट कर देना कि भाई यहां से सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहां से अल्फा की वैल्यू पुट कर और यहां से वाई की वैल्यू पुट कर, जैसे आपको पुट करो तो टी तो बच जाएगा, तो टी यहां पे जो आंसर आएगा वो 2mg/s, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान देना, तो स्टेप में वही यूज करना, नेट फोर्स एम ए, नेट टॉर्क आई अल्फा, अब ये अल्फा और एम ए क्या कंसंट्रेशन होगा वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा, राइट, ये हम कर सकते हैं सर, तो थोड़ा सा आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लो, है ना, कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है जस्ट इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना घर पे जाके, है ना, तो और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं या तो हम इसी की क्वेश्चंस करेंगे या अगली थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, है ना, तो बाकी नेक्स्ट थर्सडे को सैटरडे संडे को जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझे आप सेंड, जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी डाउट्स लगता है स्कूल का, किसी दूसरे बुक का, एडवांस का, मेंस का, जो भी चीज आपको मुझे सेंड कर दो, आपको बस टाइम मिलेगा, कोई टॉपिक पढ़ना है नहीं समझ में आया वो भी आप भेज सकते हैं, उसको यूज करो आप सकते हैं, है ना, फिर बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा, अभी कुछ एक दो वीक का आपको टाइम मिला जिसमें हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कोई मॉडल का क्वेश्चन है, कोई दूसरे बुक का क्वेश्चन है, कोई टेस्ट टेस्ट का क्वेश्चन है, कोई भी चीज, and you can ask. That's all for today. Bye-bye.